अगर एक साल में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा ना हुआ तो क्या चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, चैनल डिलीट हो जाएगा? दोस्तों, इस तरह के काफ़ी सारे रिलेटेड सवाल कमेंट सेक्शन में डेली आप लोग पूछ रहे होते हैं। दोस्तों, मैंने इस टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो बना दी थी पिछले चैनल पे, लेकिन क्योंकि वो पुरानी बात हो गई है तो दोबारा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि चैनल डिलीट होगा नहीं होगा, मोनिटाइज होगा नहीं होगा, क्या होगा, इसका क्या मतलब है एक साल में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा करने का। दोस्तों, थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पर समझाता हूँ, फिर मोबाइल पर समझाता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जो 1000 सब्सक्राइबर है ना, वो तो आप जब मर्जी कर लो, यानी कि उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो आप साल में कर लो, 2 साल में, 3 साल में, इसकी टेंशन नहीं है। 4000 घंटे वॉच टाइम जो है ना, वो एक साल के अंदर करना होता है। लेकिन एक साल सुन के ना हमें ऐसा लगता है कि बस एक साल में ना हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दोस्तों, ये एक साल नहीं है, ये लास्ट 365 डेज़ हैं। इसका क्या मतलब है, यानी कि आज से ले कर पीछे तक 365 दिन जो हैं वो काउंट होते हैं, उससे पीछे वाले काउंट नहीं होंगे, यानी कि 365 दिन से जो पहले वाले दिन हैं वो काउंट नहीं होंगे, समझ गए? चलो मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पर वॉच टाइम लिखा हुआ है ना, दूसरा सेक्शन, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे मैंने वॉच टाइम पर क्लिक किया, दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, ये ऊपर लिखा है लास्ट 28 डेज, यहाँ पर क्लिक करना है, और ये लास्ट 365 डेज लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना है। आप लोगों का यहाँ पर होना चाहिए 4000 घंटे वॉच टाइम, समझ गए? आप लोग एक और सवाल पूछते हैं, हमारा वॉच टाइम ड्रॉप होता रहता है, ड्रॉप नहीं होता, ये दिखाता हूँ आप लोगों को। ये लिखा है लास्ट 28 डेज, ये आखिरी 28 दिनों का है, यानी कि जो पहले दिन था 29वें दिन, यानी कि आज से पीछे अगर 29वां दिन गिने, उस टाइम जो वॉच टाइम हुआ था वो वाला काउंट नहीं होगा, अगले दिन का काउंट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये आपको लगता है कि यहाँ पर कम हो गया, कभी ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ से नहीं चेक करना, क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, अगर टोटल चेक करना है तो लाइफ टाइम पे दबा के चेक करना है, अगर लास्ट 365 डेज का चेक करना है तो यहाँ पर इस तरह चेक करना है। यहाँ पर अगर आपका 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा है तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अगर कुछ लोगों को अभी भी समझ नहीं आई तो टेंशन ना लो, मैं व्हाइट बोर्ड पर और सादा लफ्जों में समझा देता हूँ। दोस्तों, मान लो आज आपने चैनल बनाया, ठीक है, आज, और आज मतलब कुछ दिन गुजरने के बाद, यानी कि 365 दिन गुजरने के बाद यहाँ पर पूरा साल हो गया, यानी कि आज वो दिन है कि पूरा साल हो चुका है। अगर एक दिन ऊपर हो जाएगा तो क्या होगा? एक दिन ऊपर होने की वजह से ये जो पहले दिन, जिस दिन आपने चैनल बनाया था, उस दिन जो आपका वॉच टाइम आया था वो काउंट नहीं होगा, अगले दिन जो जितना वॉच टाइम आएगा वो ऐड हो जाएगा बीच में, ठीक है। अगर 2 दिन ऊपर हो गए तो क्या होगा? जो शुरू वाले 2 दिन थे वो एक टाइप के आप ये समझ लो कि माइनस हो जाएंगे, माने नहीं जाएंगे, अगले जो 2 दिन है वो बीच में ऐड हो जाएंगे, यानी कि पीछे से घटता जाएगा आगे से ऐड होता जाएगा। तो यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग देखना कि आपकी एक ही वीडियो वायरल होनी और इसी से ये मतलब ऐसे ग्राफ ऊपर जाना और 4000 घंटे वॉच टाइम ऐसे ऐसे पूरा हो जाना है 1 मिनट में। तो यह मत सोचो कि थोड़ा थोड़ा वॉच टाइम बढ़ रहा और पता नहीं कब जाके मतलब थोड़ा थोड़ा और 3 साल में भी नहीं होगा 4000 घंटे वॉच टाइम, ऐसा नहीं है। आपकी एक वीडियो वायरल हो जाएगी, आपका पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, यकीनन आप समझ गए होंगे, अगर फिर भी समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर कोई और वीडियो बना दूंगा और डिटेल में। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूँ, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।